जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म भारत से काफी सारे पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुकी है। लेकिन फिल्म भारत एक लंबे समय से काफी ज्यादा सुर्खियां अलग चीजों के लिए भी बटोर रही है, जैसे कि ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा का इस फिल्म में रिप्लेस होना। शादी से पहले वो प्रियंका चोपड़ा थी जो इस फिल्म में कैटरीना की जगह काम करने वाली थी, लेकिन एन मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म को क्विट कर दिया, वो भी निक जोनस से अपनी शादी की वजह से। जिसके बाद इमीडिएटली इस फिल्म में कैटरीना ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रियंका को रिप्लेस करने पर कैटरीना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस बारे में सलमान ने मुझे कॉल भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने इस फिल्म को डायरेक्टली साइन कर लिया और हम तुरंत ही फिल्म के सेट पर मिले। अब कैटरीना कैफ के बयान से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका ये स्टेटमेंट प्रियंका चोपड़ा पर एक ताना था। पहले खबरें आई थी कि प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान को इस रोल के लिए काफी सारे कॉल्स किए थे, जिसके बाद उन्हें ये रोल मिला। और अब कैटरीना ने जब ये कहा कि सलमान ने उन्हें कोई कॉल नहीं किया था, तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर वो फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी, ये बात सीधे सीधे प्रियंका की तरफ इशारा करता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।